हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गूगल साइट के अंदर एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। गूगल साइट के अंदर फ्री वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी भी वेब लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है, जैसे HTML, CSS, JavaScript, PHP वगैरह। साथ ही आपको गूगल साइट के अंदर फ्री वेबसाइट बनाने के लिए ना ही डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा, ना ही वेब होस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, गूगल साइट पर फ्री वेबसाइट बनाना सिखाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस किस टाइप्स की वेबसाइट को गूगल साइट में फ्री बना सकते हैं। आप बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं, आप एजुकेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं, आप फोटोग्राफी इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं, आप पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, और आप इन सब के अलावा और भी कई टाइप्स के बिजनेस के लिए गूगल साइट में बिल्कुल फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस काम को किया जाएगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एग्जांपल के लिए एक इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाकर दिखा रहा हूँ कि यदि किसी को एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। वैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी टाइप की वेबसाइट को बना लेंगे, ओके। मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट को नोटपैड में पहले ही लिख कर रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके और मैं फास्ट वेबसाइट को बना पाऊँ। फ्रेंड्स, गूगल साइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है गूगल साइट्स। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गूगल पर लिखा हुआ है गूगल साइट्स, और जैसे ही मैंने गूगल पर ही गूगल साइट लिखकर एंटर किया तो मेरे सामने देखिए गूगल की ये वेबसाइट आ गई है जहाँ लिखा हुआ है गूगल साइट साइन इन। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे ये यहाँ पर एक जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गूगल पर साइट बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। तो आप अपने जीमेल अकाउंट से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए ये वाला पेज आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है और गूगल साइट बनाने के लिए मुझे तमाम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपके सामने भी गूगल साइट बनाने के लिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपको पहले से कुछ टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो है, रेस्टोरेंट है, इवेंट है, हेल्थ सेंटर है, काफ़ी सारी पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स हैं। बिल्कुल बिगनर हैं आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी आप इन टेम्पलेट का यूज़ करके आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड या आप जिस कैटेगरी की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर टेम्पलेट नहीं दिखाई दे रही है तो आप ब्लैंक पर क्लिक करके भी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं आज आपको खुद से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, आप चाहें तो टेम्पलेट को भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ब्लैंक पर क्लिक करा तो गूगल साइट बनाने के लिए जो डैशबोर्ड दिया गया है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या करना है। सबसे ऊपर जहाँ दिखाई दे रहा है आपको एंटर साइट नेम, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर माइक्रो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐड लोगो, इस पर आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट के अंदर लोगो अपलोड करना होगा, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड लोगो है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लोगो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यदि आप नहीं जानते कि लोगो कैसे बनाया जाए तो गूगल पे जाकर सर्च करिए हाउ टू क्रिएट फ्री ऑनलाइन लोगो। आप ऐसा लिख कर जैसे ही एंटर करेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट आ जाएंगी जो आपको ऑनलाइन ही फ्री लोगो क्रिएट करने की फैसिलिटी देती है। आप उनसे क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अपने बिजनेस के लिए एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, मैं उसे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा लोगो है, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है फेविकॉन आइकन। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ पहले कि फेविकॉन आइकन होता क्या है। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, अपने ब्लॉग पर जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा हुआ अभिषेक सर, और इसके जस्ट पास में आपको छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा होगा। ये आपको सभी वेबसाइट में दिखाई देगा, जो भी वेबसाइट आप ओपन करोगे उसका एक यहाँ पर छोटा सा फेविकॉन आइकन दिखाई देगा आपको, इसे ही हम फेविकॉन आइकन कहते हैं। तो आप इसे भी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको गूगल पर टाइप करना है ऑनलाइन फेविकॉन जनरेटर, ओके। आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, इनकी हेल्प से आप कोई भी एक छोटा लोगो यानी फेविकॉन लोगो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर।
ओपन किया मैंने, ठीक है। अभी हमने फ़िलहाल के लिए इसके अंदर केवल इतना ही काम करना है और ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो ये आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा हुआ है यूअर पेज टाइटल, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे भी आप बदल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर चेंज इमेज पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है इमेज को बदलने के लिए। आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अपलोड अगर आप करना चाहेंगे तब आपको आपके कंप्यूटर में से कोई बैकग्राउंड अपलोड करना होगा जो आपने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप गूगल की लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हैं इमेज बैकग्राउंड के अंदर चेंज करने के लिए, तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना सेलेक्ट इमेज, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर गूगल कुछ इमेजेस ले आएगा और ये इमेजेस गूगल की गैलरी से आई हैं, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इमेजेस को। काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स हैं यहाँ पर, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ ओके, और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन है उसके अंदर इमेजेस को चेंज करने के लिए, मैं आपको और वो भी बता देता हूँ। आप सेलेक्ट इमेज में जाइए, आप गैलरी को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप किसी ऐसी वेबसाइट से इमेज को उठाना चाहते हैं, करना क्या है गूगल पे जाना है, आपको ऐसी वेबसाइट ओपन करनी है जो वॉलपेपर की वेबसाइट हो, वहाँ पर कोई भी वॉलपेपर को एक नए टैब में ओपन करिए, उसका जो यहाँ पर कंप्लीट यूआरएल होगा उस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऑटोमेटिक इमेज यहाँ पर आ जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं यहीं पर गूगल पे, यहीं से आपको इमेज सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो आपने जो खुद की एल्बम बना रखी है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल ड्राइव से किसी भी इमेज को यहाँ पर लगा सकते हैं, पहले आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड करना होगा उसके बाद आप यहाँ लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर इमेज को अपलोड करने के, बट हमने तो गैलरी से सेलेक्ट कर लिया है ओके। आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज आपने ऑलरेडी बना रखी है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टाइटल लिखना हो अगर आपको तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने ऑलरेडी एक टाइटल लिख के रखा हुआ है, मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट पेस्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एक इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर हमने इसे एज ए टाइटल पेस्ट कर दिया है। इसको हम यहाँ से खींच के थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे टाइटल रख सकते हैं, अगर आपको ये काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसे सेलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइटल का, यहाँ पर कोने पे क्लिक करिए, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पर, हम नॉर्मल टेक्स्ट इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल टेक्स्ट हो गया ये, देखिए इसे हमें टाइटल ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में ये हमें बताना होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है, इसलिए हमने इसे एज ए टाइटल ही सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं और आप चाहें तो सब टाइटल भी लिख सकते हैं ओके। तो उसके नीचे आप एंटर दीजिए, इसके बाद आपको जो भी लिखना है वो लिखिए, उसकी साइज़ जो है थोड़ी सी कम कर दीजिए, यानी हेडिंग ले लीजिए या सब हेडिंग ले लीजिए या नॉर्मल टेक्स्ट ले लीजिए ताकि वो थोड़ा छोटा दिखाई दे। अब फ्रेंड्स देखिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहा है लेआउट्स, लेआउट्स के अंदर देखिए आपको काफ़ी सारे लेआउट्स मिलते हैं। अगर आप ये फर्स्ट वाला लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक इमेज लगाने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसकी जगह वीडियो लगाइए या और भी कई चीज़ें लगा सकते हैं, बट आप साइड में एक इमेज लगा सकते हैं और उसके बगल में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दो इमेज वाला ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए आप एक बार सेलेक्ट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए तीन इमेज वाला दिखा रहा हूँ, तो इसमें इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं तीन इमेजेस लगाऊंगा इनके अंदर, और इमेजेस मैं अपने कंप्यूटर में से सेलेक्ट करूंगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, हमें प्लस बटन पर क्लिक करना है और आप देखिए यहां पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो लगा सकते हैं, आप गूगल ड्राइव से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट इमेज से कर सकते हैं और आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट इमेज करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन ही इमेज लगाने के काफ़ी सारे ऑप्शन दे देगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर रहा हूँ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट इमेज लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने तीन इमेजेस यहाँ पर लगा दिए, अब मैं इन इमेजेस से रिलेटेड यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा ओके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने किड्स लिख दिया है, यहाँ स्टूडेंट्स हो गया और यहाँ प्रोफेशनल मैंने लिख दिया है।
अब यहाँ पर आप चाहें तो इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर सब हेडिंग कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए एडिट करने के लिए बोल रहा है, बट मैं अभी यहाँ पर इसे डिलीट कर दूंगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर मेरे को इसके ऊपर एक टाइटल लिखना था, कहाँ पर, ये जो मैंने तीन इमेजेस लगाई इनके ऊपर, तो कैसे लिखूंगा मैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये कहाँ है, नीचे मुझे इसे कहाँ ले जाना है, इसके ऊपर। तो मैं कैसे ले जाऊँगा वो देखिए, यहाँ पर मैं जैसे ही रखूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आपको डॉट से दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट से, इन पर आपको माउस का क्लिक करना है और बटन दबाकर ऊपर ले जाना है, ठीक है। दबा के रखना है एक्चुअल में माउस का बटन और यहाँ छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ ऊपर आ गया है टेक्स्ट बॉक्स। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर सकते हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उसे आप मूव कर सकते हैं कहाँ से, इस कोने से। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या लिखना चाहिए वो मैं अभी यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने नोटपैड में सब कुछ लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पेशल बैचेस फॉर ऐसे लिखा और इसे मैं क्या करता हूँ हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग बनाने के बाद मैं इसे सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में कहाँ से लूँगा, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पर ये सेंटर अलाइनमेंट, तो मैंने इसे सेंटर में ले लिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। अब मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट और बनाना चाहता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट सेक्शन कर सकता हूँ, तो मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक है। तो ये वाला तो इसके नीचे आ गया, कहाँ से किया मैंने, देखिए यहाँ कोने से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट सेक्शन, इस पर क्लिक करने से, और इसे मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने ये लाइन पेस्ट कर दी है कॉपी करके। तो देखिए इसे मैं एक बार टाइटल बनाकर देखता हूँ। देखिए टाइटल मैंने इसे बना दिया, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ये। इसके बाद स्पेशल बैचेस फॉर तीन इमेजेस लगा दिए और यहाँ पर मैंने इनके बारे में लिख दिया, इमेजेस के बारे में, ओके। अब आगे चलते हैं हम वेबसाइट में, आगे और भी चीज़ें बनाना सीखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपको यहाँ पर एक वीडियो प्ले करना है और आपको साइड में कुछ अलग से कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो कैसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आपको ये वाली लेआउट दिखाई दे रही है जहाँ पर एक इमेज यानी आप वीडियो भी लगा सकते हैं, साइड में आपको लिखने की फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं ये वाली लेआउट चूज कर लेता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो लेआउट आ चुकी है। तो यहाँ देखिए मैं वीडियो लगाकर आपको दिखाता हूँ, तो इस प्लस बटन पर क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप चाहें अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप यूट्यूब वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वीडियो सर्च कर लेता हूँ और आपको लगाकर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल का एक वीडियो यहाँ पर सर्च कर लिया है और इसे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो आ जाएगा, अभी देखिए यहाँ पर वीडियो आ चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ अपने वीडियो के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, मैं यहाँ पर अलग से लिख सकता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा वेबसाइट के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक टॉपिक को पेस्ट कर दिया है कॉपी करके और यहाँ पर मैं कुछ सब पॉइंट्स लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सब पॉइंट्स को लिख दिया है ताकि थोड़ा सा वेबसाइट में प्रोफेशनल लुक आ सके। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया ये चीज़ें कैसे बनानी है। अब हम आगे चलते हैं, और भी काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर देखिए साइड में, इनको भी यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको बटन बनाना है तो आप बटन बना सकते हैं, जस्ट आपको बटन पे क्लिक करना है और बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बटन का नाम देना होगा और यहाँ पर आप उस बटन पर क्लिक करने से क्या ओपन करना चाहते हैं, यानी कौन सा वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, उसका जो URL है उसे पेस्ट कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, एक बटन बन जाएगा। फिलहाल मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा, आप बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक ऑप्शन है डिवाइडर, इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन आ जाएगी बीच में, आप सेपरेट कर सकते हैं वर्क को। और देखिए मैं आपको और ऑप्शन बताता हूँ, बाकी यूट्यूब वीडियो लगाना मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ वीडियो लगाने की एक फैसिलिटी मिल जाएगी। आप कैलेंडर लगा सकते हैं, आप मैप लगा सकते हैं, यानी आप अपने बिजनेस लोकेशन तक अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाने के लिए मैप लगा सकते हैं। आप जैसी वेबसाइट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मैप लग जाएगा, आपको मैप पर क्लिक करना है और उसके बाद लोकेशन सेट कर देना है, ऑटोमेटिक मैप लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है कोलैप्सेबल टेक्स्ट। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, मोर अबाउट साइलेंट फीचर्स, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पर और भी साइलेंट फीचर्स को पेस्ट कर दूंगा,
तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि अगर आप ऐसे चाहते हैं कि टॉपिक लिखा हो लेकिन जब उस टॉपिक पर क्लिक करें तब खुले, जब किसी को और ज़्यादा जानना हो तब वो उस टॉपिक पर क्लिक करेगा और नीचे जो लिखा हुआ है वो खुल जाएगा। देखिए मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर और साइलेंट फीचर्स हैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। कुल मिला के मैंने यहाँ पर आधे लिखे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक बार आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है तो देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इससे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी एक बार लोड हो जाए पूरी तरह से। तो देखिए लोड हो चुकी है और देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, यहाँ पर एक वीडियो भी लग जाएगा जो भी आप लगाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको अभी ऑप्शन दिखाया था ना, ये अब इस पर कोई क्लिक करेगा तब इसके अंदर के ऑप्शन खुलेंगे। देखिए यहाँ से आप बंद कर सकते हैं और यहाँ से कोने से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना हो तो आपको कोलैप्सिबल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखेगी, टैबलेट में कैसी दिखेगी। देखिए मोबाइल में कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, टैबलेट में कुछ इस तरह की दिखाई देगी, और आप कंप्यूटर में तो देख ही रहे हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ठीक है। वापस अगर आप बैक करते हैं तो जो आप डिज़ाइन कर रहे थे उसी वाले विंडो के अंदर आ जाएंगे। तो इसका यूज़ आपको समझ में आ गया, मैंने यहीं पर इसको लगा दिया है। बाकी एक लास्ट ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है इमेज क्रोसल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करना होगा। कुल मिला के देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने कई वेबसाइट पर स्लाइडर्स को देखा होगा, स्लाइडर लगे होते हैं ऑटोमेटिक इमेज स्लाइड करती रहती हैं, ये वही ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप कुछ स्लाइडर बना सकते हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इमेजेस को अपलोड करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ही, पर मैं अपलोड कर लेता हूं और वही तीन इमेजेस जो मैंने ऑलरेडी पहले ऊपर अपलोड करी थी उन्हें ही कर लेता हूं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने तीनों इमेजेस को अपलोड कर दिया है। अब मैं यहां पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहां पर एक स्लाइडर बन गया है। अब इस स्लाइडर को आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से देखिए बड़ा कर सकते हैं हम स्लाइडर को, जितना बड़ा करना है हम स्लाइडर यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने इसको लास्ट में लगा रखा है लेकिन ये लास्ट में अच्छा नहीं लगेगा, जितना अच्छा ये ऊपर लगेगा। कहाँ पर, यहाँ पर, या आप चाहें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है इसकी जगह भी स्लाइडर लगा सकते हैं। अब इसे डिलीट कर दीजिए, एक बार मैं आपको नीचे ही रहने देता हूँ और एक बार मैं आपको इसका जो प्रीव्यू है वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से स्लाइडर दिखाई देता है, ठीक है। आप इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, अभी ये मैनुअली चलाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चले तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपका जो स्लाइडर है ये सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा ऑटो स्टार्ट, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड कैसी रखनी है, आपको फास्ट रखनी है, मीडियम रखनी है या स्लो रखनी है, आप अपने हिसाब से स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मीडियम रख लेता हूँ फिलहाल और अपडेट कर देता हूँ। अब देखिए एक बार मैं आपको प्रीव्यू चेक कराता हूँ कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके लिए देखिए मैं वापस यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रीव्यू बटन पर। तो पहले हम नीचे जाकर चेक करके आते हैं कि स्लाइडर किस तरह से दिखाई दे रहा है। बाकी वेबसाइट तो हम देख चुके थे, देखिए स्लाइडर यहाँ पर आ चुका है और ये ऑटोमेटिक इमेजेस चेंज हो रही हैं। तो देखिए हो रही हैं। तो इस तरह से आप स्लाइडर लगा सकते हैं, बट ये लास्ट की जगह है, अगर ये यहाँ ऊपर लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर लगाकर आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो यहाँ बैकग्राउंड इमेज रखिए, उस पर एक टेक्स्ट रखिए, चाहें तो स्लाइडर रखिए, यह आपकी चॉइस है, आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं बैक कर लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। कहाँ से, यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करा और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ ऊपर लगाना चाहता हूँ तो उसे मूव करना पड़ेगा। तो मूव करना मैंने आपको बताया था कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ पर जो डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको माउस का पॉइंटर ले जाना है और बटन दबा के रखना है और ऊपर ऐसे लेके जाना है और जहाँ रखना है वहाँ छोड़ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, स्लाइडर ऊपर लग गया है। लेकिन अभी हमारा जो टाइटल था ना वो डिलीट हो गया है, हमने खुद ही ने डिलीट किया था।
तो हम चाहें तो इसके ऊपर एक टाइटल रख सकते हैं, उसके बाद ये दिखाई दे तो बेटर लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया इसके नीचे, इसे हम ऊपर ले जाते हैं, कहाँ इसके ऊपर स्लाइडर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम वो टाइटल पेस्ट कर देते हैं वापस से, तो हमने यहाँ पर एक टाइटल पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या करते हैं इसको टाइटल बना देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, और सेंटर में ले आते हैं, ये सेंटर में हम ले आए, ठीक है, अब थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब एक बार प्रीव्यू चेक करते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए परफेक्ट, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है आप। अब हम स्क्रॉल करके देखते हैं, देखिए स्लाइडर भी चल रहा है, यहाँ पर इमेजेस भी आ गई हैं, और यहाँ पर एक वीडियो लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, और कोई जानना चाहता है तो इस पर क्लिक करेगा, देखिए और पॉइंट्स खुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि बनाना कैसे है, आप अपनी क्रिएटिविटी और लगा सकते हैं और मुझसे और बेटर बना सकते हैं, आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, और जो ऑप्शन आपको गूगल साइट्स की तरफ से मिल रहे हैं उन्हें और बेहतरीन तरीके से यूज़ करके देखना होगा, ठीक है, आप और बेटर बना पाएंगे। और समझ में आ गया आपको ये सब कैसे बनाना है। तो हमने जो होम पेज है ना इसे तो तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हमने होम पेज बनाया था, अब अगर आपको एक नया पेज बनाना हो जैसे कि अबाउट अस, आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको ये पेजेस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये प्लस बटन दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा हुआ है न्यू पेज, नीचे देखिए यहाँ पर, ओके इस जगह पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी नया पेज बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ अबाउट अस, ओके। उसके बाद हमें डन पर क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक अबाउट अस का मेन्यू आ चुका है, यानी एक अबाउट अस पेज भी बन चुका है, तो आप जो भी अबाउट में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक आया है, होम की तरह नहीं, देखिए होम में तो काफ़ी सारे ऑप्शन हम बना चुके हैं लेकिन यहाँ पर अबाउट अस बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसे डिज़ाइन करते हैं। अबाउट अस में सबसे पहले हम यहाँ पर अबाउट अस ही लिखते हैं टॉपिक, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम अबाउट अस को टाइटल के रूप में लिख देते हैं, ओके। और यहाँ से हम टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, और इसे सेंटर में ले लेते हैं यहाँ से, और जो भी हम अपने बारे में बताना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ सबसे पहले तो, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने अबाउट अस लिख दिया है, इसको मैं देखिए बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये थोड़े पॉइंट्स हैं, और चाहूँ तो मैं इसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ, कहाँ से हेडिंग बना देता हूँ इसको, थोड़ा सा ये अलग दिखेगा। हेडिंग बनाने पर इसे बोल्ड कर देते हैं, इसे भी बोल्ड कर देते हैं वापस से, थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने अबाउट अस लिख दिया है, और आप चाहें तो इसे और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी होम पेज में डिज़ाइन करना सिखा चुका हूँ कि इमेजेस वगैरह कैसे लगाते हैं, तो आप अबाउट अस को और अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। मैंने अभी सिंपली आपको एक नया पेज बनाकर दिखा दिया है। अब फ्रेंड्स हम एक नया पेज वेबसाइट के अंदर बनाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है हर वेबसाइट के लिए, वो होता है कॉन्टेक्ट अस, ताकि आपका क्लाइंट आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर देखिए वापस से मैं पेजेस वाले इस टैब पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमें अबाउट अस वाला जो पेज दिखाई दे रहा है मैं इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ये टाइटल चाहिए, बाकी चीज़ें मैं चेंज कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ें सेम चाहिए तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और आप फिर से नया बनाना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से फ्रेश ब्लैंक चाहिए आपको, तो आपको प्लस बटन पर क्लिक करना चाहिए। लेकिन मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, देखिए इस बार डुप्लीकेट करने के लिए मैं देखिए इस कोने पर जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं ना इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर इसका नाम बदल के कॉन्टेक्ट अस रख देता हूँ, ठीक है। देखिए कॉपी हो गया है, लेकिन कॉन्टेक्ट अस में भी वही सब कुछ आ गया जो अबाउट अस में है, तो कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं यहाँ पर अबाउट अस की जगह, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप चाहें तो इनकी जगह देखिए बहुत कुछ रख सकते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस में वो सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है एक फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा कॉन्टेक्ट अस में एक इंक्वायरी फॉर्म होता है कि जो क्लाइंट है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए बाय कॉन्टेक्ट फॉर्म। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं तो कॉन्टेक्ट फॉर्म तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर सब कुछ फ्री बताऊँगा।
तो यहाँ पर आप एक फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इंसर्ट में ही जाना है वापस और नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन, वो है हमारा फॉर्म्स। दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपको ये फॉर्म्स वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। बट देखिए अभी यहाँ पर इस फॉर्म्स वाले टैब के अंदर आपको कोई भी फॉर्म बना हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले हमें फॉर्म को बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर फॉर्म लगाना चाहते हैं तो पहले आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, गूगल का जो फ्री फॉर्म होता है। तो गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। आपको गूगल ओपन करना है और उसके अंदर टाइप करना है गूगल फॉर्म्स, तो मैं कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स गूगल ओपन करने के बाद मैंने लिखा गूगल फॉर्म्स और मैं इस पर क्लिक करूँगा। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी गूगल फॉर्म बनाने के लिए है, गूगल की तरफ से है गूगल फॉर्म बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मिलेगा हमें एक बटन जहाँ पर लिखा हुआ है गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जो जीमेल आईडी है आपको उससे लॉगिन करना पड़ेगा, अगर आप लॉगिन नहीं है तो उसके बाद ही आप फॉर्म बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो आप ब्लैंक पर क्लिक करके फॉर्म भी खुद से पूरा बना सकते हैं, बट अभी टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेडीमेड बना हुआ फॉर्म होता है उसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करिए, ये एक बना हुआ कंप्लीट फॉर्म है, इस पर क्लिक करते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सामने आ जाएगा आपके, आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या क्या रखना चाहते हैं और क्या क्या हटाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी विजिटर आ रहा है आप उससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करवाना चाहते हैं इस फॉर्म के माध्यम से, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं और चाहें तो हटा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नेम ऑप्शन ये तो कंपलसरी आएगा, ईमेल ये भी आप रखिए काम आता है, एड्रेस, अब एड्रेस आपकी चॉइस है कि आप चाहते हैं रखना तो रख सकते हैं अदरवाइज आप हटा सकते हैं, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर रखना चाहिए क्योंकि फ़ोन नंबर देगा तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट मतलब मैसेज आप वो आपसे क्या चाहता है वो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एड्रेस मुझे लगता है फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे करूंगा, मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर देखिए डिलीट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब जो फाइनल फॉर्म है वो यही है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ना ये ऑटोमेटिक कहाँ चुका है, गूगल साइट के फॉर्म वाले ऑप्शन में आ जाएगा, आप बस यहाँ से बनाएंगे वो अपने आप वहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वापस गूगल साइट में जाता हूँ, बस इतना करना है आपको और कुछ भी नहीं करना, सेव वगैरह कुछ नहीं करना, सब अपने आप हो जाता है, ठीक है। अब वापस हम गूगल साइट में चलते हैं और इस बार दोबारा से हम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्म वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, इस बार आपको यहाँ पर फॉर्म दिखाई देगा, देखिए आ गया है क्योंकि हम वहाँ पर बनाकर आ चुके हैं, बस इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा तो जो फॉर्म है वो यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है, देखिए ऐड हो गया। अब इसे भी आप चाहें तो सेंटर में रख सकते हैं, तो सेंटर में रखेंगे अच्छा लगेगा, सेंटर में रख लेते हैं हम इसे, और इसकी साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं, देखिए साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, जितनी बड़ी हमारी वेबसाइट का लेआउट है कम से कम उतना बड़ा ये होना चाहिए, तो हमने इसको उसी साइज़ का कर दिया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो लमसम कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यदि आप कुछ इसमें एडिशनल और भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको इतना तो सिखा दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। एक बार मैं आपको फाइनल इसका प्रीव्यू चेक कराता हूँ कि कैसी दिख रही है अब हमारी वेबसाइट। तो हम पहले होम में चलते हैं और होम में जाने के बाद एक बार प्रीव्यू चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये तो हमारा होम पेज हो गया, एक बार लोड हो जाए वेबसाइट पूरी तरीके से, देखिए लोड हो गई है, तो ये तो हमारा होम पेज हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेन्यूज़ हैं हमने बनाए थे पेजेस के रूप में, अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, देखिए अबाउट अस आ गया है, काफ़ी अच्छी दिख रही है हमारी वेबसाइट। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर्म आ चुका है, अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एड्रेसेस वगैरह अपना दिखाना चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और जब कोई इस फॉर्म को फिल करेगा और सबमिट पर क्लिक करेगा ना तो फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन ये कहाँ जाएगी, जो आपने गूगल फॉर्म बनाया है अभी उसमें जाएगी। बस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल फॉर्म लिखना है और अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म को बनाया था। आपको गूगल फॉर्म में ही सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जो भी यहाँ पर यूज़र फिल करेगा, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, तो एक बार हम बैक कर लेते हैं वापस से। तो देखिए फ्रेंड हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसे पब्लिश करने का टाइम है, लेकिन उससे पहले देखिए मैं एक ऑप्शन और है थीम्स, ये बता देता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो काफ़ी सारी स्टाइल हैं, इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये वाली सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से देखिए एक
फॉन्ट वगैरह चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टाइल मिलती है हमें। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही चेंजेस हो चुके हैं काफ़ी सारे, तो जो हमारी सिंपल थी फर्स्ट हम उसे ही रखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ, बट वो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कस्टम यूआरएल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप चाहें तो एक प्रीमियम डोमेन नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसा कि ब्लॉगर में होता है। अभी जो आपको गूगल साइट पे डोमेन नेम मिलेगा वो प्रीमियम नहीं होगा, वो एक सब डोमेन होगा, उसी को यूज़ करते हुए आपकी वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन आप चाहें तो एक प्रीमियम डोमेन यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपको कोई भी एक डोमेन नेम को परचेस करना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी परचेस नहीं करना चाहते तब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वेबसाइट बन चुकी है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर एक एनालिटिक्स का ऑप्शन है, एनालिटिक्स में आप गूगल एनालिटिक्स की आईडी यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए गूगल पर या यूट्यूब पर, आपको इन सब के बारे में भी पता लग जाएगा कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, कस्टम यूआरएल कैसे देते हैं, ये सब चीज़ आपको पता लग जाएगी। ठीक है, मेरा काम था आपको वेबसाइट बनाकर दिखाना, लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको गूगल साइट पर कैसे कस्टम यूआरएल लगाते हैं इस पर एक वीडियो बनाकर अलग से दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो पब्लिश का बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा हुआ है वेब एड्रेस, तो आपको एक यहाँ पर वेब एड्रेस चूज करके देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइक्रो सॉल्यूशन, ओके, तो अगर ये टिक लग जाता है तो इट मीन्स ये अवेलेबल है, तो माइक्रो सॉल्यूशन ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय अभिषेक। तो देखिए यहाँ पर टिक लग चुका है, तो इस तरह से आपको भी चेक करना है कि क्या जो आप वेब एड्रेस चूज कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल हुआ तो टिक लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फाइनल यूआरएल बन के आया है वो है sites.google.com/view/micro-solution-by-abhishek। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से चूज कर सकते हैं कोई भी यूआरएल को, जो अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है, अगर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया तो आपकी साइट कभी भी गूगल सर्च इंजन में नहीं आएगी, यानी गूगल सर्च में ही नहीं आएगी, तो ऐसी वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है जो गूगल सर्च में ही ना आए। तो इसको कभी भी सेलेक्ट मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट सर्च में ना आए, इसलिए मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को केवल आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए बनाया था, ओके, इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड जो हमारी वेबसाइट थी वो पब्लिश हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पब्लिश का ऑप्शन है इसके जस्ट बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पब्लिश्ड साइट, यानी आप देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते देखिए ये लोड हो गई है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ चुका है। ठीक है, तो जस्ट ये एक डेमो पर्पस से बनाई गई वेबसाइट थी, इसे मैं बाद में डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, हम अबाउट अस आ गया है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही फॉर्म आ जाएगा हमारा सामने। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए एक परफेक्ट गूगल साइट के अंदर फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में केवल इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।